अब चलते हैं कोरपना तहसील की ओर, जहां पर कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तहसील कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके निषेध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूचना पर तालुका कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कोरपना की ओर से कोरपना के तहसील कार्यालय के सामने धरना आंदोलन मंगलवार को किया गया। राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष दोटे के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस मौके पर तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विठल राव थीपे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति श्रीधर गोड़े, जिला बैंक के संचालक विजय राव बावने, पंचायत समिति सभापति रूपाली थोड़ा से, उप सभापति सिंधु आसवाले, पंचायत समिति सदस्य श्याम रंदीवे, संभाजी कोवे, जिला परिषद सदस्य वीना मालेकर, कल्पना पेचे, महिला कांग्रेस कमेटी के तालुका अध्यक्ष ललिता गेडाम, उत्तराम पेचे, सीताराम कोड़ापे, नगराध्यक्ष कांताई भगत, उप नगराध्यक्ष मनोहर चन्ने, सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष सुनील बावने, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इस्माइल भाई आदि उपस्थित थे। और वहीं इस मौके पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर तहसीलदार को निवेदन दिया गया तथा इस दौरान विधायक सुभाष धोटे ने अपना मनोगत व्यक्त किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दिनांक 29 पासून जे आम्ही कांग्रेस पक्षातर्फे आंदोलन करून आलेलो आहोत, त्याचा टप्पा म्हणून आज कोरपणा इथे सुद्धा आम्ही आंदोलन केलं आणि त्याचं निवेदन आताच आपण तहसीलदारासमोर दिलं। त्याच्यामधला विशेष भाग असा आहे की हे जे पेट्रोल डिझेल आणि गॅसच्या ज्या ज्याची किमती प्रत्येक रोज ज्या वाढत चाललेल्या आहे, त्यामुळे सर्व गोरगरीब जनता कर्मचारी सगळा म्हणजे एक भयभीत झालेलं आहे की देशामध्ये काय असं संकट आलेलं आहे की ज्यामुळे रोज ह्या किमती वाढत चाललेल्या आहेत। आणि त्याची विपरीत परिस्थिती अशी आहे की जागतिक बाजारपेठेमध्ये क्रूड तेलाच्या किमती, ज्याला आपण क्रूड तेल म्हणतो, त्या किमती कमी होत चाललेल्या आहेत। त्या किमतीचा जर आधार विचार केला तर आज खरं पाहिलं तर डिझेल आणि पेट्रोल हे 25 रुपये लिटर आणि 30 रुपये लिटरप्रमाणे मिळायला पाहिजे, परंतु अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण या प्रधानमंत्री मोदीने केल्या असल्यामुळे हे लोकांसमोर नजरेसमोर लोकांच्या अनाच आहे आणि लोकांमध्ये जागृती करायची आहे की बा हे प्रधानमंत्री मोदी जे लोकांना मन की बात सांगतात आणि लोकांसमोर कशा प्रकारे समस्या निर्माण करून आलेल्या आहेत, त्यासाठी काँग्रेस पक्षाने हे पाऊल उचललेलं आहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।